ये हमारे पास असाइनमेंट का एक सवाल है जिसमें है कि अ स्लोप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन सोइल फॉर विच पाई गिवन है इट इज अज्यूम्ड दैट वाटर टेबल में ओकेजनली रीच द सरफेस। बाकी वाटर टेबल जब सरफेस को रीच करता है तो सीपेज भी होती है। तो लिखा है विथ सीपेज टेकिंग प्लेस पैरेलल टू द स्लोप। अब इसमें हमारे पास फार्मूले होते हैं, एक सीपेज के हिसाब से हमारे पास फार्मूला है और एक विदाउट सीपेज, अगर सीपेज इज नॉट टेकिंग प्लेस तो वो फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। तो दोनों को हमें ध्यान में रखना है। इसमें सीपेज हो रही है, डिटरमाइन द मैक्सिमम स्लोप। अब क्योंकि कोई भी फार्मूला हो तो हमसे कोई भी उस फार्मूले में से चीज़ पूछी जा सकती है। हमारे पास इसमें जो फार्मूला होता है उसमें एफ भी होता है यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमारे पास एच होता है क्रिटिकल हाइट, हाइट क्रिटिकल हाइट जब होगा तो थोड़ा सा और फार्मूला चेंज हो जाता है और उसको हम कहते हैं एच सी आर। तो हाइट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और इसके अलावा हमारे पास जो एंगल होता है, एंगल ऑफ स्लोप या स्लोप एंगल, वो भी ये चीज़ें होती हैं। हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें, आप एंगल निकालें, तो वो हमारे पास फॉर्मूला सेम है, हमें पता होना चाहिए। एक अननोन होगा वो निकल आएगा। और ये फिगर अगर हम देखें तो एच हमें गिवन है कितना है, 17.5। दूसरी ये डेटा हमें गिवन है, पाई गिवन है और गामा गिवन है, कोहिजन गिवन है सी, ये गामा सेचुरेशन है। अब जब हमारे पास बात आ जाए सीपेज की तो हम गामा सेचुरेशन यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है सी का, बी पार्ट, उसमें है वाटर लेवल इज़ वेल बिलो, वाटर टेबल इज़ वेल बिलो यानी बहुत नीचे है वाटर टेबल, यानी सीपेज इज़ नॉट टेकिंग प्लेस, वाटर टेबल का कोई असर नहीं हो रहा। ऑन द सर्फेस ऑफ द अबोव स्लोप कंस्ट्रक्टेड विद द डिटरमाइंड एंगल, वाट वुड बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड विद द डिटरमाइंड एंगल यानी जो एंगल हमने पार्ट ए में से निकाला वो यहाँ हमें यूज़ करना है बीटा। वाट वुड बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब हमें पूछना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, जबकि इस पार्ट ए में फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन था जो था 1.5। इसी के सिमिलर सवाल हमें बराज अहमदास में मिल जाएंगे, चैप्टर जो है वो चैप्टर 15 स्लोप स्टेबिलिटी। तो वो सिमिलर एग्जाम्पल उसमें देखे जा सकते हैं, इसी सवाल के सिमिलर एग्जाम्पल्स उसमें मौजूद हैं कि विदाउट सीपेज या सीपेज टेकिंग प्लेस किस तरह सॉल्यूशन होगा। अब इनके सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, ये सारी डेटा हमें गिवन थी, हमें स्लोप एंगल निकालना है और हमारा क्या है सीपेज चेकिंग प्लेस। उसमें जब सीपेज चेकिंग प्लेस तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पे गामा डैश क्या होगा, जो हमारे पास गामा सेचुरेशन है उसमें से हम माइनस करेंगे गामा वाटर, गामा सेचुरेशन माइनस गामा वाटर, तो हमारे पास गामा डैश आता है। सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है लेकिन हमारे पास बीटा गिवन नहीं है, वो हमें मालूम करना है, बीटा स्लोप एंगल है। अब यहाँ इस इक्वेशन को हमने यहाँ तक इनको सोल्व किया, यहाँ इसको ये आ गई इनका, फिर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम का मतलब ये होता है ये जो टर्म है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और प्लस है बीच में तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, और डिवाइड में ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब ये यहाँ से टर्म बनी, इसको क्या है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है जो कि एक बहुत ही हाई लेवल मैथमेटिशियन सोल्व कर सकता है और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेटर से सोल्व करना है, सारी वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करने के बाद, कैलकुलेटर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तो उसमें पुट करनी है और फिर यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास बीटा का आंसर आ जाएगा। अब पार्ट टू पे आ जाते हैं, पार्ट टू में क्या है, नो सीपेज इज टेकिंग प्लेस, कोई सीपेज नहीं है क्योंकि वाटर टेबल इज़ वेल बिलो, बहुत नीचे है। उसमें फॉर्मूला ये थोड़ा सा चेंज हो गया और अब क्या है, हमें सारी डेटा गिवन है, हमें सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम करना है, बीटा जो हमने उस पार्ट से निकाला वो यहाँ पुट करना है। ये सारा हमने किया तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।